मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज मैंने एक न्यूज़ वर्क साथ न्यू ब्लॉग भी शुरू कर ही दिया है। उम्मीद करते हैं गाइज आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपसे यह माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपके लिए कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि गाइज आपने भी वैसे सुन ही लिया होगा कि 16 मार्च से 6 अप्रैल तक बोर्ड पेपर है। तो गाइज हाँ, इस बार मेरे थोड़े से बोल्ड भी हैं, तो शायद ब्लॉगिंग मुझे अभी थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर एकदम क्लोज आ गए हैं एंड प्रैक्टिकल काम चल रहा है थोड़ा, मतलब फाइल फुल बनानी, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ शूट। एंड बाकी मैच खेलने भी जाते थे बीच बीच में, आपने देख ही लिया होगा ब्लॉगिंग। एंड चलेंगे खेल परसों में फिर से दोबारा, फिर दिखाएंगे आपको एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज। तो सबसे पहले तो आज के मौसम की बात करें गाइज, तो आज का मौसम देखो काफ़ी सुहाना है गाइज। देखो यहाँ पे बादल कहीं नहीं आ रखे हैं, देखो यहाँ पे सूर्य देव आ रखे हैं, इस खंभे पर चढ़ गए देखो यहाँ पे, एंड प्यारा सा व्यू। एंड ये हमारे सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे दिव्यांशु गुस्साई एंड बाकी चाची के बेटे हैं ये। तो चलो गाइज आज ना गाइज हम जा रहे हैं इस ओर, तो बोलेंगे आप क्यों जा रहे हैं, मैच तो हम खेलेंगे नहीं आज। तो गाइज ना ये पड़ गया यहाँ पे दुर्बाली, तो गाइज ये दुर्बाली हो गया है एंड ये पॉल गाँव, जैसे कि बताया होगा मैंने आपको काफ़ी ब्लॉगिंग में। एंड चलते हैं गाइज आज इस ओर, तो क्रिकेट खेलने भी जाते थे हम इसी ओर, इस धार पर जाते थे यहाँ पे। तो आज हम वहाँ नहीं बल्कि उससे आगे जाने वाले हैं गाइस, क्योंकि गाइस वहाँ पे कुछ आज पूजन पाजन है कुछ भी, तो उन्हीं का सीन है कुछ गुलाल गाँव वालों का, तो पता क्या क्या होता है मुझे नहीं पता। तो जो पूजा है उसका नाम है कि सांत, क्यों भाई? यस, तो उसका नाम सांत है और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं ऐसी चीज़ों में, क्योंकि गाइस नाम तो काफ़ी सुना है लेकिन उसका काम नहीं देखा कि क्या होता है वहाँ पे। लेकिन चलते हैं गाइस बिना किसी देरी के, दिखाएंगे आपको। तो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एंड आपको भी दिखाएंगे फर्स्ट टाइम। तो यार चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बाकी चलते हैं बिना किसी देरी के वहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा इनको देते हैं चारा, क्योंकि भूखे न रहें, तो इनके लिए चारा खोल रखा है एडवांस, तो इनको देते हैं इनको। फिर चलते हैं गाइज गुलाल गाँव जहाँ पे है कि पूजा पूजा कुछ, तो मुझे नहीं पता कि होता क्या है फाइनल में, पर सुनने में ये आया कि वहाँ पे काफ़ी तगड़ा होता है कि सांत। मुझे दिव्यांशु भाई ने ही बताया था कि सांत बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब वहाँ पे पूजा पूजा होता है, पांडव नृत्य होता है, क्यों होता है पांडव नृत्य होता है कि, तो मुझे भी नहीं पता। तो चलते हैं फर्स्ट टाइम एंड आपको भी ले चलते हैं, चलते हैं गाइस लेट्स गो। गाइस हम काफ़ी चल चुके हैं घर से एंड ये वही क्रिकेट है मैदान है, ग्राउंड है जहाँ हम क्रिकेट खेलने आते थे एंड आएंगे। तो गाइस देखो ये वाला है एंड बॉल इधर उधर जाती थी सारी जगह। तो बाकी अभी यहाँ से मैं जाना होगा गाइस काफ़ी आगे, यानी यहाँ से डायरेक्ट आगे इधर बहुत आगे जाना है इसी रास्ते पे। तो देखते हैं कितने मिनट में पहुँचते हैं, कितने घंटे में पहुँचते हैं, कितने दिन में पहुँचते हैं गाइस। दिन तो नहीं होगा लेकिन, घंटा भी नहीं होगा लेकिन मिनट हो सकता है। तो गाइस चलते हैं, और वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है लेकिन हमारे छाने से काफ़ी दूर है, तो चलो गाइस चलते हैं। इस बीच हम चलते जा रहे हैं एंड रास्ते में तो यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ क्या है इसके अंदर? पानी, खोलना पीने का पानी है, तो इसके अंदर पीने का पानी है एंड ये भैंस के लिए पानी पीने के लिए। बाकी देखो आगे से एक बैल आ रहा है, देखो यहाँ पे आ गया एक बैल पानी पीने के लिए। तो गाइस चलते हैं कंटिन्यू, हम काफ़ी चल गए हैं एंड देखो यहाँ पे हमें एक टूटी छानी भी दिखी है, देखो गाइस यहाँ पे हाँ टूटी छानी दिखी है एंड नीचे गाइस देखो यहाँ पे क्या मिल गया है गाइस हमें, देखो यहाँ पे तो शायद क्लियर यहाँ पर है, देखो ये दाने लाने लग रखे पीले पीले दाने एंड गाइस इनको हम बोल सकते हैं छोलिंग, तो कई गांव में मतलब कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम इनके, तो हम इनको सीधे छोलिंग की जगह खटाई भी बोल सकते हैं, शायद आपको ज़्यादा समझ आए। तो ये खटाई के दाने जिससे बनते खटाई एंड गाइस जैसे कितना प्यारा व्यू आ रहा है हमारे गांव का, बड़कोट का, देखो गाइस क्या व्यू है यार गाइस, देखो बड़कोट का व्यू आ रहा है। तो चलते हैं गाइस आगे चलते हैं, अभी काफ़ी आगे चलना है हमें। तो
अभी डाइट यहाँ पे कुछ छाने दिख रहे हैं हमें, तो शायद यहाँ पे कुछ दिखता है मैं ना, तो शायद मुझे आगे जाना पड़ेगा। लेकिन हमें पूरा पता नहीं अभी तक कि कितने में है क्या है। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, फर्स्ट इलाका है हमारे लिए, तो कुछ पता नहीं है। तो चलते हैं गाइज कंटिन्यू। गाइज अभी हमें जाना है ठैट यहाँ पे, तो हमें दिख गया यहाँ पे, तो अभी इन छानियों के पास आने हमने, एंड चलते हैं अभी यहाँ से घूम घूम के जाना होगा हमें इतना सारा, तो कर भी ना हमें 10-15 मिनट हो गए चलते चलते, तो चलते हैं वहीं पे, मिलते हैं आपको सीधे और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। गाइज अभी यहाँ छाँव में फाइनली यहाँ पे, एंड गाइज अभी मैं हूँ एक रूम में जो कि है हमारे बड़े भैया का, तो चलते हैं अभी ऊपर और अभी वहाँ पे पूजा हो रही है, तो चलते हैं आपको सीधे पूजा दिखाते हैं। अभी यार पाँव में छत पे, एंड यहाँ पे देखो गाइज नीचे रोटी बना रहे हैं सभी महिला, यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, एंड अभी यहाँ पे ऊपर गाइज यहाँ पे देखो गाइज ऊपर यहाँ पे अभी पूजा हो रही है, तो अभी चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं पूजा। पहाड़ी चूल्हे में बनता हुआ रोटी, देखो गाइज यहाँ पे अभी हो रही है पूजा, एंड बाकी इधर बैठ के पूरी जनता, काफी भीड़ है यहाँ पे, सभी आ गए सभी छानी के एंड सभी गांव के मेंबर्स साड़ी यहाँ पे पागी पूजा हो रही है। एंड गाइस इधर बन रहा है खाना सभी के लिए, जो भी यहाँ पे मेंबर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे खाना बन रहा है इधर, एंड देखते हैं इसके बाद यहाँ पे पांडव नृत्य भी होगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, एंड काफ़ी ज़्यादा धूप भी आ गई अभी। एंड गाइस यहाँ पे बड़कोर का कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, एक तो पूरा दिख रहा है बड़कोर मार्केट गाइस, और बगल में बहती हुई यमुना नदी। Thank you.
देखा मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से कि अभी यहाँ पे पांडव नृत्य हुआ था एंड अभी यहाँ पे माथम ग्रहण करके अब भोजन थोड़ा सा मतलब हो गया जो भी है भोग करके यहाँ से सभी घर को वापस लौटेंगे। तो चलो दिखाते हैं अभी थोड़ा सा खाना खुना खाते हैं वहाँ पे, बाकी ख़त्म हो गया अब सीधे सभी इसके बाद घर जाते हैं एंड फिर सो जाते हैं। तो बाकी चलो अभी ऊपर ही चलते हैं यहाँ पे, ठीक है चलते हैं अभी ऊपर एंड खाना खुना खाते हैं फिर चलते हैं वापस घर, ठीक है तो चलते हैं। दोस्तों आपने देखा कि वहाँ पे पांडव नृत्य हुआ, खाना खुना खा लिया है हमने और अब चलते हैं बड़कोट, यानी हमारी छानी तो पड़ती इस साइड तो आए थे हम, इस साइड से जाएंगे हम इस साइड, तो यहाँ से जाएंगे नीचे, यहाँ रास्ता जा रहा है नीचे इधर से, तो चलते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे लॉन्ग पड़ेगा और यहाँ से हम एकदम शॉर्ट पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं गाइस बड़कोट एंड देखो यहाँ पे छोटा सा पप्पी टॉनी ले ले, तो कितना डर कितना भाग रहे ना, आजा ले ले तो नहीं, देखो उंगली निकाल ले बार, उंगली निकाल ले बार शेरू, देखो गाइस कैसे घुरा रहा है, काटे ना बस, देखो गाइस देखा। तो चलते हैं गाइस बड़कोट एंड आपको सीधे बड़कोटी में मिलते हैं, ठीक है गाइस तो चलते हैं लेट्स गो। गाइस फाइनली मैं पहुंच पाऊँ हूँ बड़कोट और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो गाइस बाहर हो चुका है करीबन अंधेरा एंड भाई उधर अगेटी सेक रहे हैं, दादा भी अगेटी सेक रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है एंड पापा छानी से आ रहे हैं अभी। तो मैम आए गुलाल गांव से नीचे जहाँ पे आज पूजा थी, तो सुबह हम छानी गए थे पापा में, तो ब्लॉग में थोड़ा देर में शूट किया था, तब तक पापा आ गए थे बड़कोट एंड मैं वहाँ से गया आज गुलाल गांव, मतलब हमारे छानी से काफ़ी दूर है तो वहाँ का नाम गुलाल गांव है एंड आज वहाँ पे थी सांत। तो गाइस सांत तो मुझे नहीं पता क्या होता है, गया तो था तो, लेकिन हमने देखा वहाँ पे पूजा पूजा थी कुछ, देखी लिया आपने तो वहाँ पे पूजा थी और पांडव नृत्य था एंड माथम के रूप में खाने खुने की उचित व्यवस्था थी, तो देखी लिया आपने ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो गाइज आज उधर ही रहा हमारा दिन, उधर ही रहा आज एंड हमारा कंटेंट इसी तरफ था आज, आपने देख ही लिया होगा ब्लॉगिंग के माध्यम से एंड गाइज थक भी काफ़ी लगी है, तो बात की करते हैं गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड एंड मिलते हैं आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में एंड तब तक हमारा चैनल जो है उसको आप प्लीज सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन साथ प्रेस कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।